नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी नहीं समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंस बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा दिशा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, या जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है कौन सा समूह अधिक महत्व का है, प्राथमिक, द्वितीयक, धर्म, संदर्भ। तो यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा, प्राथमिक। व्यक्तित्व के विकास का आधार है परिवार, राज्य, धर्म, पड़ोस। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। और आवश्यकताओं की पूर्ति का समाज स्वीकृत साधन है। तो तीसरा का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, दूसरों से सहयोग करके। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए कौन सा समूह आवश्यक है, राज, परिवार, मित्रता, खेल समूह। तो बच्चों चार सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, परिवार। यानी नवजात शिशु के लिए कौन समूह आवश्यक है बच्चों, परिवार। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक समूह का लक्षण है स्वतंत्रता, आदान प्रदान संबंध, अनिवार्य सदस्यता, कोई नहीं। तो पांच सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट स्थित है, यह कथन किसका है। तो बच्चों यह जो है कथन जो है बोगार्डर्स का है। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक समूह की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक समूह की नहीं है। तो सात का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, एक संरचना, ये नहीं है बच्चों। आठवां क्वेश्चन है, समूह व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जिनकी संख्या एक होती है, संख्या होती ही नहीं है, संख्या सीमित होती है, संख्या आवश्यक नहीं है। तो बच्चों आठ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, संख्या होती ही नहीं है। परिस्थिति के निर्धारण के तत्व है यौन भेद, आयु भेद, विवाह, उपरोक्त सभी। तो बच्चों नौ का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दसवां देखेंगे, परिस्थिति के प्रकार है प्रदत्त पद, अर्जित पद, ये भी दोनों मिलान। तो दस का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, दस का सही जवाब क्या हो चो सी, ए प्लस बी दोनों। ग्यारह नंबर देखेंगे, भूमिका की विशेषताएँ, भूमिका की जो है विशेषताएँ हैं, भूमिका की विशेषताएं हैं, व्यवहारों की संपूर्णता, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक संगठन, उपयुक्त सभी। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूमिका का महत्व है, भूमिका का क्या महत्व है बच्चों, तो भूमिका का महत्व है यहाँ भी जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी आदर्श व्यवहार प्रतिमान ये भी सही है, परिस्थिति समूह का निर्माण ये भी सही है, सामाजिक परिस्थितियाँ ज्ञान ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज को एक दूसरे से भिन्न स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो 13 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार समाज में शक्ति के असमान वितरण को माना है। तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, जाति। भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार जाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का उल्लेख किसने किया है। तो बच्चों 16 का सही जवाब बी हो जाएगा, पार्सन्स ने किया है। खुले हुए स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता है कि यह एक, यानी खुले हुए स्तरीकरण की प्रमुख विशेषता है कि या है एक, या क्या है। तो यह एक जो है लोचपूर्ण प्रणाली है, सही जवाब जो है ए हो जाएगा। धर्म तथा परंपरा पर आधारित स्तरीकरण की प्रकृति होती है, धर्म तथा परंपरा पर आधारित स्तरीकरण की जो है प्रकृति कैसी होती है। तो 18 का सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, बंद है। सामाजिक स्तरीकरण को समाज का किस प्रकार का विभाजन कहा जाता है, सामाजिक स्तरीकरण का को समाज का किस प्रकार का विभाजन कहा जाता है। तो 19 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, उदग्र विभाजन। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं हैं, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी व्यक्ति और समूह पर लागू सामाजिक दबाव के प्रतिमानों से सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा किसने रखी है, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा किसने रखी है। तो 21 सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा मैकाइवर, किसने रखी है, मैकाइवर। ये बच्चों समाज साथ सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है,
कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। 22 नंबर है कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, तो 22 के यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक एकता, व्यक्ति की सामाजिकरण, उपयुक्त सभी। यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा।